हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एप्रन की स्टिचिंग देखेंगे। जो मैंने पिछले वीडियो में इसकी कटिंग बताई थी, आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम जो एक कपड़े को हमने इस तरह से ठीक से रखने के बाद हम इसको नेक की तरफ से यहाँ से सिलाई देंगे। इस तरह से पूरा हम इसको सिल के बाद में यहाँ दो दो इंच पर हम पूरी सिलाई देंगे। इस तरह से सिलाई देने के बाद हम स्क्वायर में देंगे या फिर आप ट्रायंगल में दे, जैसे चाहे आपको दे सकते हैं इसको सिलाई। सिलाई देने के बाद हम इसके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे, बाद में हम इसको पट्टी जोड़ेंगे। अभी इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं वो बताती हूँ। पहले हम नेक पे सिलाई देंगे। बाद में हम आर्म होल की तरफ दूसरे पे आर्म होल को देंगे सिलाई। अब हम सीधी सीधी लाइन लगाएंगे दो दो इंच। इस तरह से हम सिलाई देंगे, बाद में हम इसमें स्क्वायर में भी सिलाई देंगे। ये हमारा आर्म होल के साइड का जो कपड़ा बचा था उसका हम पॉकेट बनाएंगे। इस तरह से हम पहले वो दोनों साइड के आर्म होल के जो पीस है उसको हम इसे पहले जोड़ेंगे। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद हम इसको यहाँ पे एक सिलाई देंगे। अभी इसको हम एप्रन को ज्वाइंट करेंगे।
इसको हम पहले लेस जोड़ेंगे। लेस हमें कट नहीं करना है। अब हम एप्रन के सेंटर में, इसका सेंटर है वहाँ पे हम पॉकेट को जोड़ेंगे। पहले हम सेंटर निकालेंगे इसका, इस तरह से यहाँ पे सेंटर में हम इसको जॉइंट करेंगे। पॉकेट को हम जॉइंट करेंगे इस तरह से, ऊपर से लेस भी लगा देंगे। इस तरह से पैकेट जोड़ने के बाद अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। अब हम इसकी पट्टियाँ जोड़ेंगे। अब हम आर्म होल की तरफ से यहाँ से नीचे से पहले पट्टी की शुरुआत करेंगे इस तरह से। इस तरह से एक आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक हम पट्टी जोड़ेंगे। अब हम पट्टी को अंदर कर फोल्ड करके सिलाई देंगे। जहाँ पे हमने गोलाई ली वहाँ हमने नॉच किया है। अब हमने क्योर लगाएंगे पाइपिंग।
फोल्ड करके उसको पैकिंग करेंगे। अब हम आर्म होल जहाँ तक हमने लगाई पाइपिंग वहाँ से ऊपर इसे नेक की ओर लेके जाएंगे। इस तरह से एक साइड को नेक को देने के बाद हमको गले पे जितनी एक्स्ट्रा चाहिए उतनी हम पट्टी छोड़ के दूसरी ओर से हम दूसरे आर्म होल की तरफ लगाएंगे उसको। हमने बैक साइड के लिए जो बांधने के लिए डोरी छोड़ी उसको आप हम यहाँ से फोल्ड करके इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, फिर उसको इस तरह से सिलाई देंगे। अभी इस तरह से जो हमारा आर्म होल है वहाँ की डोरी को हम इस तरह से ऊपर की ओर लेते जाएंगे सिलाई। हमारे नेक की डोरी है उसको भी हम इस तरह से सिल रहे हैं। जो नेक की डोरी है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से यह अपरन तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।